शाओमी ने दोस्तों फाइनली यहाँ पे Redmi Note 7 S को इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया है। पहले से ही दोस्तों Redmi Note 7 Pro हमारे पास है और उसी प्राइस रेंज के आसपास Redmi Note 7 S को लॉन्च करके काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग दोस्तों पूछ रहे हैं कि Redmi Note 7 S बेटर है या फिर Redmi Note 7 Pro बेटर है, तो आपके कंफ्यूजन को क्यों ना दूर किया जाए। आज इस वीडियो में दोस्तों दोनों डिवाइसेज को कंपेयर करने वाले हैं साइड बाय साइड और बताने वाले हैं आपके प्रायोरिटीज के अनुसार आपको कौन सा डिवाइस परचेज करना चाहिए। वीडियो आखिर तक देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने का साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Redmi Note 7 S का दोस्तों 3GB 32GB वेरिएंट इंडिया के अंदर लॉन्च किया गया है 10,999 रुपए यानी कि 11,000 रुपए, और जो हायर वेरिएंट है दोस्तों 4GB 64GB उसका प्राइस इंडिया के अंदर रखा गया है 12,999 रुपए यानी कि 13,000 रुपए, और इससे अगर 1,000 रुपए आप बढ़ाएंगे तो आपको 4GB 64GB वेरिएंट मिल जाएगा Redmi Note 7 Pro का। तो 1,000 का यहां पर डिफरेंस है सेम रैम एंड इनबिल्ट स्टोरेज वेरिएंट का, काफी सारे कुछ दोस्तों यहां पर सिमिलर है। बट दोस्तों आपको यहां पर यह सोचना है कि आपको 1,000 बचा के Redmi Note 7 S लेना है या फिर 1,000 और ज्यादा स्पेंड करके Redmi Note 7 Pro लेना है। बात करते हैं यहाँ पे बिल्ड और डिजाइन की, तो दोनों में सेम बिल्ड और डिजाइन आप लोगों को मिलता है, ग्लॉसी ग्लास बैक, फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, सामने पीछे दोनों ही तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के मामले में दोस्तों दोनों ही सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा। बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो दोनों में दोस्तों आइडेंटिकल डिस्प्ले आपको मिलता है, 6.3 इंच का डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, IPS पैनल है यहाँ पे, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन और Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो दोनों का डिस्प्ले दोस्तों आइडेंटिकल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे दोनों में ही दोस्तों आप लोगों को MIUI देखने के लिए मिल जाता है, दोनों में ही आपको दोस्तों हाइब्रिड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे काफी बड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि Redmi Note 7 Pro में हमें देखने के लिए मिलता है Snapdragon का 675 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, जबकि दोस्तों Redmi Note 7 S में आता है Qualcomm Snapdragon का 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों दोनों ही प्रोसेसर काफी दमदार है प्राइस पॉइंट को देखते हुए। बट दोस्तों आप अगर हेवी गेमिंग करेंगे तो आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हेवी गेमिंग के लिए दोस्तों Redmi Note 7 Pro यहाँ पे बेटर निकल के आएगा। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कैमरास की, तो यहाँ पे डुअल कैमरा मिलता है रियर में, दोनों में ही दोस्तों सेम सेटअप है 48+5 मेगापिक्सल का, बट यहाँ पे थोड़ा चेंज है सेंसर में। Redmi Note 7 Pro में जो प्राइमरी सेंसर है उसमें आपको मिलता है दोस्तों सोनी IMX586 वाला सेंसर, ये सेम सेंसर दोस्तों आपको OnePlus 7 Pro में भी देखने के लिए मिल जाता है जो कि 50,000 का आता है। यहाँ पे दोस्तों Redmi Note 7 S में हमें मिलता है Samsung का सेंसर, ये दोस्तों एक्चुअली 12 मेगापिक्सल वाला सेंसर है, बट पिक्सल बाइंडिंग वगैरह करके यहाँ पे आपको 48 मेगापिक्सल तक का इमेज देखने के लिए मिल जाता है। डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे Redmi Note 7 Pro का कैमरा यहाँ पे ज्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फ्लैगशिप ग्रेड सेंसर है, जो 50,000 में मिलता है वही आपको 15,000 के अंदर ही मिल जाता है इस Redmi Note 7 Pro में। यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करें तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में दोनों ही सिमिलर है, 13 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा आपको देखने के लिए मिल जाता है दोनों ही डिवाइसेस में। बात करें बैटरी की तो दोनों में ही 4000 mAh की बैटरी है, दोनों ही दोस्तों फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट फास्ट चार्जर बॉक्स में नहीं है, दोनों में ही USB टाइप सी है। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सिमिलर है, सिर्फ डिफरेंसेस है कैमरास पे और परफॉर्मेंस पे। तो यहाँ पे फाइनल थॉट्स की अगर बात करें कि कौन सा डिवाइस आपको परचेस करना चाहिए, तो आपका अगर दोस्तों बजट एकदम टाइट है, 11,000 रुपया तक ही आप खर्च कर पाएंगे, तो फॉर श्योर आपको 3GB 32GB वाला वेरिएंट आपको परचेस करना चाहिए Redmi Note 7 S का। 11,000 में दोस्तों वो काफी वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, एटलीस्ट आपको 48 मेगापिक्सल वाला सैमसंग का सेंसर मिल रहा है, काफी अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है, काफी अच्छा बिल्ड और डिजाइन मिल रहा है। बट दोस्तों आप सोच रहे हैं Redmi Note 7 S का 4GB 64GB परचेस करने का, तो मैं बोलूंगा दोस्तों आप 1,000 रुपए और बढ़ा के Redmi Note 7 Pro ले लीजिए, जहां पे आपको दोस्तों बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगा, बेटर कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहां पे 1,000 बढ़ा के Redmi Note 7 Pro आपको ले लेना चाहिए आप अगर 4GB 64GB लेने का सोच रहे हैं, अदरवाइज 3GB 32GB अगर सोच रहे हैं तो Redmi Note 7 S आपके लिए बेहतरीन होगा। यहाँ पे दोस्तों ये है दोनों डिवाइसेस के अंदर डिफरेंसेस, दोनों डिवाइस को कंपेयर करके आपके प्रायोरिटीज के अनुसार बता दिया है कि आपको कौन सा लेना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।